मेरे पिछले एपिसोड में मैंने आपको ये बताया था कि किस प्रकार से बीआर चोपड़ा साहब ने रफ़ी साहब को एक प्रपोजल दिया जिसके अंतर्गत उनकी ये मंशा थी, उनका ये उद्देश्य था कि रफ़ी साहब सिर्फ और सिर्फ उनके कैंप के लिए ही गाएं, जिसे रफ़ी साहब ने बड़ी विनम्रता पूर्वक ना कह दिया। दोस्तों, इसी प्रकार का एक प्रपोजल लता जी को भी किसी ने दिया था और उस पर लता जी की क्या प्रतिक्रिया हुई और किस व्यक्ति ने ये प्रपोजल उनको दिया था, आज इस वीडियो में हम उसके विषय में जानेंगे। दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों बेल आइकन और ऑल के ऑप्शन को ज़रूर से प्रेस करें जिससे कि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच पाएँ। दोस्तों, भारतीय फिल्म उद्योग में संगीत का जो विभाग है उसमें म्यूज़िक जो गीत हैं वो पहले रिलीज हुआ करते थे रिकॉर्ड्स पर, और बाद में स्प्यूल नाम की एक टेक्नोलॉजी भी आई जिसमें रिबिन होती थी बड़ी सी और एक ऐसी घिर्री जैसी होती थी बड़ी चक्री जिसमें वो रिबिन लपटा होता था और उस पर वो गीत चलते थे। लेकिन 80 और 90 का दशक आते आते ये रिकॉर्ड्स और ये स्प्यूल जो है आउटडेटेड हो गए। शुरुआती दौर में HMV रिकॉर्ड्स का बहुत दबदबा रहा और HMV जिसे आज हम सारे गामा म्यूज़िक के नाम से जानते हैं, ये इनके पास सारे कॉपीराइट्स पुरानी फिल्मों के होते थे। लेकिन 1983 में एक फलों का व्यापारी जिसका नाम था गुलशन कुमार, उन्होंने अपनी एक इंडस्ट्री डाली, कैसेट इंडस्ट्री डाली जिसका नाम था सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज और जिसका ब्रांड था टी सीरीज। ये उन्होंने शुरू की। शुरुआती दौर में ये पायरेटेड कैसेट्स बेचा करते थे और ओरिजिनल जो साउंड ट्रैक होता था उस पर दूसरे गायक की आवाज़ में गीत रिकॉर्ड करके ये अपने एल्बम्स मार्केट में बेचा करते थे। लेकिन फिर 1988 में एक बहुत अच्छा इनको प्रपोजल मिला, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिला जिसका म्यूज़िक इन्होंने रिलीज़ किया और वो ब्लॉकबस्टर फिल्म थी कयामत से कयामत तक। और दोस्तों, इस फिल्म ने इनकी इंडस्ट्री की, इनकी कंपनी की दिशा और दशा को बदल कर रख दिया और उसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सफलता के नए सोपान रचे। उसके बाद आशिकी और दिल है के मानता नहीं, बेटा, साजन, तमाम फिल्मों में इन्होंने जो है इनको म्यूज़िक राइट्स मिले उसके और एक बड़ी कंपनी सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज बन गई। सुपर कैसेट इंडस्ट्री को स्थापित करने वाले गुलशन कुमार जी जब इस सफलता को उन्होंने अर्जित किया तब निश्चित रूप से, जैसा मैंने पहले भी कहा है, व्यक्ति में एक अहंकार, एक गुरूर आ ही जाता है और इसी के फलस्वरूप, इसी के कारण उनके दिमाग में एक फितरत आई, एक विचार आया जो कि ये था कि लता जी को मैं एक ऐसा प्रपोजल दूँ, ऐसा ऑफर दूँ जिसके अंतर्गत लता जी सिर्फ और सिर्फ टी सीरीज़ के लिए ही गाएं। और जब उन्होंने लता जी के सामने ये प्रपोजल रखा तब लता जी बड़ा आग बबूला हो गई और उन्हें बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी। और ये प्रतिक्रिया देखकर, ये जानकर गुलशन कुमार जी बड़े आहत हुए और बहुत ठेस पहुंची उन्हें। और तब उन्होंने एक प्रतिज्ञा ले डाली, एक ऐलान कर दिया, एक अनाउंसमेंट कर दिया कि फिल्म इंडस्ट्री को नई लता मंगेशकर मैं दूंगा। और दोस्तों, इसी के बाद उन्होंने एक जो उभरती हुई गायिका थी अनुराधा पौड़वाल, उनको अपने कैंप में शामिल कर लिया। हालांकि अनुराधा जी का कैरियर 1973 की फिल्म अभिमान जो कि SD बर्मन दादा के संगीत निर्देशन में, जिसका संगीत और गीत तैयार हुआ था, उसमें एक गीत गाया था, लेकिन सही मायनों में उन्हें सफलता सुपर कैसेट इंडस्ट्री के माध्यम से ही मिली। बहरहाल, अनुराधा पौड़वाल जी बहुत सफल गायिका हुई, उन्हें अपने कैरियर में 4 फिल्मफेयर अवार्ड मिले और सुपर कैसेट इंडस्ट्री का उसमें बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा सशक्त उनका भूमिका रही है। और उसके अलावा एक नेशनल अवार्ड भी मिला। 2016 में उन्हें भारतीय सरकार ने पद्मश्री से भी सुशोभित किया। लेकिन लता मंगेशकर तो नहीं बन पाई वो। जिस प्रकार रफ़ी साहब एक हैं वैसे ही लता जी भी एक ही हैं और लता जी का स्थान कभी कोई ले नहीं सकता। अनुराधा जी का कैरियर तो बहुत ऊंचाइयों पर गया और महती सफलता उन्होंने अर्जित की।
करीब 9000 गीत गाए उन्होंने अलग अलग भाषाओं में। लेकिन फिर दोस्तों 1997 में गुलशन कुमार जी की हत्या कर दी गई। गुलशन कुमार जी एक बहुत धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे, ईश्वर के प्रति बड़े समर्पित व्यक्ति थे और नियमित रूप से शिव मंदिर में जाया करते थे और जीतेश्वर महादेव मंदिर से दर्शन करके जब वो बाहर लौट रहे थे तभी दो मुस्लिम शूटर्स अब्दुल रशीद और रऊफ ने उन्हें गोली मार दी। और दोस्तों ये उनका जो मर्डर किया गया था ये जो अंडरवर्ल्ड है उसके इशारे पे किया गया था, उनसे कुछ रकम मांगी गई थी जिसके लिए उन्होंने साफ मना कर दिया था और इसके एवज में उन्हें मार दिया गया। और ऐसा भी बोला जाता है दोस्तों कि ये नदीम श्रवण की जो संगीतकार की जोड़ी है उसमें से नदीम की बहुत बड़ी भूमिका थी गुलशन कुमार जी को की हत्या करने में। बहरहाल दोस्तों जो भी है ये, पर ये बहुत दुखद बात है। गुलशन कुमार जी का जैसे ही हत्या हुई उसके बाद शने शने धीरे धीरे अनुराधा पौडवाल जी का कैरियर भी ढलान पर आने लगा। हालांकि उस समय अलका याग्निक जी छाई हुई थी और कविता कृष्णमूर्ति जी के पास भी काफ़ी काम था, तो ये भी एक कारण रहा अनुराधा जी के कैरियर का डिक्लाइनेशन का। और फिर 2006 आते आते उन्होंने भारतीय फिल्म संगीत को और उद्योग को पूरी तरह से छोड़ दिया। दोस्तों गुलशन कुमार जी के निधन के आज लगभग 26-27 वर्ष बाद भी सुपर कैसेट इंडस्ट्री भारतवर्ष की सबसे बड़ी म्यूजिकल इंडस्ट्री है और 35% टोटल उसका शेयर है, कुल जो मार्केट है उसका। और इसके अलावा दोस्तों यूट्यूब पर उनका जो चैनल है उसके लगभग 253 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं जो कि सबसे बड़े म्यूजिक चैनल्स में से एक है। तो सफलता उन्होंने बहुत बड़ी अर्जित की है गुलशन कुमार जी के जाने के बाद भी। गुलशन कुमार जी जब जीवित थे तब वे बड़े एक धर्मनिष्ठ और भक्त व्यक्ति थे, भक्त थे बड़े, और वैष्णो देवी की बड़ी आराधना किया करते थे। वैष्णो देवी में निरंतर लंगर चलाते थे 24 घंटे, और वो लंगर आज भी वहाँ पे अनवरत जारी है। तो ऐसा ये पूरा किस्सा था पूरा गुलशन कुमार जी और लता जी के बीच का। बड़ा दुखद अंत हुआ गुलशन कुमार जी का। गुलशन कुमार जी ने कई कलाकारों का कैरियर एस्टेब्लिश किया, उन्हें जमाया, उसमें बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं, और लेकिन गुलशन कुमार जी का अंत बेहद दुखद हुआ। दोस्तों ये पूरी कहानी थी, वास्तविक कहानी, जो मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और इसी प्रकार से मैं आगे भी वास्तविक किस्से आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। दोस्तों आगामी 24 दिसंबर को भारतीय फिल्म संगीत के सबसे महान गायक रफ़ी साहब का जन्मदिवस है और उनको श्रद्धांजलि स्वरूप उनका ये एक शैदाई एक वीडियो लेकर के आने वाला है। और मैं ये आप लोगों से निवेदन करूँगा कि वो वीडियो आप ज़रूर देखें और आपसे ये कहूँगा कि अपना खूब ध्यान रखें, हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहें। नमस्कार दोस्तों।